शहर के वार्ड संख्या 43 के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में एक नाले में लगे फेरोब्लॉक मात्र 6 दिन की अवधि में ही टूट गए। फेरोब्लॉक के टूट जाने के कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों तथा वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्प अवधि में ही फेरोब्लॉक के टूट जाने पर क्षेत्रवासी तथा स्थानीय पार्षद विक्रम सोनी ने आक्रोश जताया है। साथ ही नगर परिषद आयुक्त से क्षतिग्रस्त फेरोब्लॉक को दुरुस्त करवाने तथा क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगवाने की मांग की है। पार्षद विक्रम सोनी ने बताया कि साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में डॉक्टर सक्सेना वाली गली में मुख्यमंत्री कोष से 58 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया था। सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार ने महिला स्नान घर के सामने पानी निकासी के लिए बने क्रॉसिंग नाले को भी बंद कर दिया था, जिसके कारण नाले का पानी सड़कों पर बहने लगा था। क्षेत्रवासियों के विरोध पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से 5-6 दिन पूर्व नाले को पुनः शुरू करवाते हुए उस पर फेरोब्लॉक लगाए थे, लेकिन घटिया किस्म के फेरोब्लॉक मात्र 6 दिन की अवधि में ही टूट गए। सड़क के बीचों बीच लगे फेरोब्लॉक के टूट जाने के कारण वाहन चालकों तथा राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासी तथा विपार्षद विक्रम सोनी ने नगर परिषद आयुक्त से क्षतिग्रस्त फेरोब्लॉक को दुरुस्त करवाने तथा क्षेत्र में भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगवाने की मांग की है। वार्ड नंबर 43 साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड की जो मुख्य सड़क है, हाल ही में भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा 58 लाख रुपए की सड़क का निर्माण सूचित कर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सड़क का निर्माण किया गया और ठेकेदार द्वारा उक्त रोड की जो क्रॉसिंग थी उसका ध्यान नहीं देते उसको पेक कर दिया था। उससे कई नाले जाम हो गए। यहाँ एक महिला स्नान घर है, वहाँ महिलाएं अपने उपयोग के लिए आती है और यहाँ बहुत सारा पानी भर गया था। परिषद द्वारा अभी हाल ही 6 दिन पहले पूरे नाले की खुदाई करके फेरोब्लॉक लगाए, जो चंद 6 दिन हुए यहाँ टूट गए। यहाँ भारी वाहनों का आवाजाही खूब है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन देके बताया कि भारी भारी जो वाहन आते हैं उन पर रोक लगाई जाए और उन्हें प्रतिबंध लगा के पाबंद किया जाए, क्योंकि यहाँ ये पूरा रिहायशी क्षेत्र है जहाँ भारी वाहन को निषेध होना चाहिए। यहाँ बजरी माफिया अलग अलग वाहन लेकर भारी भारी टनों के यहाँ आते हैं और सड़क को क्षतिग्रस्त करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से वापस निवेदन करना चाहूँगा कि भारी वाहनों पर रोक लगाकर सड़क को दुरुस्त कराएं। हाउसिंग बोर्ड की 4 नंबर में सेक्टर में रोड पे जो अभी सड़क बनाई गई है, ये शुरू में पहले तो बन नहीं रही थी। काफी कोशिश करने के बाद, काफी अखबार में देने के बाद ये रोड का रोड बनी। जब रोड बन रही थी जो ठेकेदार को हमने कहा था कि ये रोड बहुत आप सावधानी से और अच्छी तरह से बनना, मेन रोड है, पर उन्होंने इस कुछ सुनी नहीं और एक नाली टाइप में बना दी। फिर शिकायत करने पर वो 4 फुट की सड़क बनाई, ये नाली बनाई। नाली इतनी कमजोर बनाई है कि उसका मलबा नहीं उठा, इसका जो उसने मलबा निकाला वो मलबा नहीं उठा, उससे पहले ही वो डस्ट हो गई है और आने जाने वालों को काफी नुकसान हो रहा है।